भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे दिन जीत लिया पहला टेस्ट मुकाबला। दोस्तों अभी देखना चाहते हो भारतीय टीम ने दो दिन में कैसे पहला टेस्ट मुकाबला खत्म कर दिया। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया की टीम इस समय वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां पर दो टेस्ट मुकाबले और तीन वनडे मुकाबले और अंत में पांच T20 मुकाबले की सीरीज होनी है, जिसमें से पहला टेस्ट मुकाबला डोमिनिका के मैदान पे शुरू हुआ, जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज टीम को ऑल आउट कर दिया। पहले दिन के खेल खत्म होने से पहले ही 150 रन के स्कोर पे, जिसमें आर अश्विन ने 5 विकेट चटकाए, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज किया रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने। दोस्तों रोहित शर्मा ने 103 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और बहुत लंबे समय के बाद शतक ठोक दिया। हालांकि उसके बाद तीन नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आए सोमन गिल मात्र 6 रन पे आउट हो गए। फिलहाल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 143 रन बना करके अभी भी नाबाद हैं और विराट कोहली 36 रन बना करके अभी भी नाबाद हैं। भारतीय टीम ने बना लिए हैं दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पे 312 रन और 162 रन की टीम इंडिया ने बढ़त बना ली है। दोस्तों टीम इंडिया आप कह सकते हो लगभग इस मुकाबले को जीत चुकी है।